पुलिस परिवार के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण के संकट से गुजर रही है, तब मध्य प्रदेश के हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस ऑफिसर्स कर्तव्य निष्ठा की नई मिसाल, नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दिनों रात कोरोना के संकट के समय से आप अपने कर्तव्य के पथ पर जान हथेली पर रखकर जनता को बेहतर सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। चाहे लॉकडाउन का पालन हो, लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचाना हो, असामाजिक तत्वों से बीच में निपटना भी पड़ा, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई, लेकिन मैंने देखा कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान हथेली पर रखकर आप काम कर रहे हैं। अद्भुत सेवा की नए उदाहरण और मिसालें आपने प्रस्तुत किए हैं। केवल कानून व्यवस्था नहीं, केवल लॉकडाउन का पालन नहीं, जरूरत अगर पड़ी तो भूखों को भोजन कराना, उनको उठा के दूसरे स्थान पर छोड़ना, दिव्यांगों की सेवा करना, कई चित्र मैंने देखे हैं। सेवा के अनुपम और अनुकरणीय उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं, जिससे पूरे मध्य प्रदेश का माथा गर्व से उन्नत हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं उन परिवारों की हालत समझ सकता हूँ जिनके सदस्य दिनों रात अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अनथक ड्यूटी कर रहे हैं, और कई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसी हुई है कि जिसमें हमारे पुलिस के मित्र भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संक्रमित हो गए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा मन भर जाता है जब मैं याद करता हूँ अपने भाई स्वर्गीय देवेंद्र चंद्रवंशी जी को, हमारे स्वर्गीय यशवंत पाल जी को, इंदौर और उज्जैन के ये जांबाज पुलिस अफसर अपने कर्तव्य का पालन करते करते कर्तव्य की बलबेदी पर सब कुछ न्योछावर करके हमें छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके परिवार अकेले नहीं रहेंगे, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, 7.5 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है, और इसलिए हमने 50 लाख रुपए की सम्मान निधि परिवार को देने का फैसला किया, परिवार में सरकारी नौकरी देने का फैसला किया, असाधारण पेंशन देने का फैसला किया, और इन दोनों कर्मवीरों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, असाधारण कार्य, उत्कृष्ट कार्य करते हुए जो हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उन सबको 15 अगस्त पर कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। मैं इतना जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तनाव में ना रहें, मस्ती से अपनी ड्यूटी पूरी करें। हास व्यंग मैंने देखा, कई पुलिस के हमारे मित्र गीत गा रहे हैं, गीत गा के कोरोना के लिए सजग कर रहे हैं। यमराज का रूप धारण करके कहता है कि अगर सावधान नहीं रहे तो यमदूत ले जाएंगे। हल्का फुल्का अपने आप को रखें, विनोद व्यंग से मन को भी सहज और सरल बनाए रखें, ताकि हम बोझिल ना हो। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी सुरक्षा के प्रति आप सजग रहें। एक किट आपको दिया गया है, उसमें अनेकों चीज़ें हैं। पीपी किट पहनकर ही हाई रिस्क एरिया में जाएं। आपकी जिंदगी, आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। आप मध्य प्रदेश की धरोहर है, मुझे पूरा विश्वास है आपकी कर्तव्य निष्ठा के कारण कोरोना के संकट से मध्य प्रदेश को हम मुक्ति दिलाएंगे, और उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस, उसके अधिकारी और उसके जवान और उनके परिवारों का जो त्याग है वो हमेशा याद किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।